तो फाइनली स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और एक यूजफुल वीडियो पर। तो फाइनली बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए गुड न्यूज, बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। जी हाँ, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो बिहार की है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उनको 2 महीनों का मानदेय यानी अक्टूबर और नवंबर 2022 का मानदेय उनके बैंक अकाउंट तक भेजा जा चुका है। फाइनली हम आपको ऑनलाइन स्टेटस में दिखाएंगे कि पैसा जो है आपके अकाउंट से कब आप निकाल पाइएगा और ये कब तक क्रेडिट हो पाएगा। चलिए हम आपको वेबसाइट दिखाते हैं, सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो में दी गई आपको पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनली अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं बिहार की एक आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय 2022-23 जो चल रहा है उसका होनोरेरियम यानी मानदेय का स्टेटस आपको दिखा रहा हूँ। इस लाइव स्टेटस में आप देखिए कि हर एक महीने में किस तरह पेमेंट गया हुआ है। और अभी जैसे कि मैं वीडियो में आपको बताऊँगा कि अक्टूबर प्लस नवम्बर इन 2 महीनों का पेमेंट पूरे बिहार में, जी हाँ पूरे बिहार में सभी सेविका और सहायिकाओं को एक साथ भेजा गया है, लेकिन अकाउंट में कब तक आएगा और पैसा कब तक निकाल पाएगा पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो अप्रैल 2022 और जुलाई अगस्त 2022 ये सब चल रहा है, ये सब का पेमेंट आ चुका है, ये आपको भी मालूम है। यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले एब्सेंटी वेरीफाइड होता है, उसके बाद सैलरी जनरेट होता है, ये ऑफिस के द्वारा होता है, ऑफिस से सारा आपका डिटेल डीपीओ को सेंड किया जाता है, उसके बाद डीपीओ से हेडक्वार्टर जाता है, हेडक्वार्टर से जो है पैसा बैंक में आता है, बैंक में आने के बाद पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड होता है, उसके बाद जो है रेस्पॉन्स फिर फ्रॉम बैंक में जो आपको यूटीआर नंबर जैसे ही जनरेट हुआ आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। फाइनली आते हैं हम लेटेस्ट पेमेंट को के बारे में, जिसके बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो पेमेंट है अक्टूबर और नवम्बर इन 2 महीनों का जो पैसा है यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक अच्छी बात यह है कि पूरे बिहार में एक साथ सभी लोगों का मानदेय जा रहा है, तो सभी लोगों के लिए अपडेट बिल्कुल एक समान है, चाहे आप किसी भी परियोजना किसी भी जिले की सेविका हो। देखिए अक्टूबर और नवंबर इन दोनों महीनों का एब्सेंटी वेरीफाइड बहुत पहले हो गया था, सेंड टू डीपीओ हो गया था, सेंड टू हेडक्वार्टर हो गया था, हेडक्वार्टर से पैसा यहाँ पर सेंड टू बैंक भी हो गया, पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज यानी 10 जनवरी 2023 को अक्टूबर और नवंबर महीने का पैसा आपके बैंक तक आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा, पैसा आपके बैंक तक आ चुका है। अब बैंक से आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में लगभग 5 से 6 दिनों 7 दिनों का समय लग जाता है। अब ये आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बैंक जो है कितना फास्ट इस पर वर्क करता है। किसी किसी परियोजना में 2-3 दिन के बाद ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, किसी परियोजना में 5-6 दिन 7 दिन भी लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आपको निश्चिंत रहना है, नवंबर तक का पेमेंट यानी अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों का पैसा जो है पूरे बिहार में विभाग के द्वारा बैंक तक आ चुका है। अब बैंक तक आप बैंक से आपके अकाउंट में आने में यहाँ पर UTR नंबर जनरेट होता है, यहाँ से यहाँ UTR नंबर जनरेट होगा, यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर, तो वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपने अगर आपने मोबाइल नंबर लिंक करा दिया है तो आपका मोबाइल नंबर पर जो है इसके पेमेंट के बारे में 2 महीनों का पैसे का मैसेज आ जाएगा। तो फिलहाल निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से आने वाले 5 से 6 दिनों में आपको यहाँ पर नंबर भी जनरेट दिखाई दे देगा और आपको अकाउंट से पैसा भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग हड़बड़ी में वीडियो देख करके बैंक में चले जाते हैं, अभी आप पैसा जो है आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ होगा, अभी बैंक तक पहुँचा है, कुछ दिनों का प्रोसेस लगेगा, 5-6 दिनों का 7 दिनों का मैक्सिमम वो पैसा आप निकाल सकते हैं। तो 2 महीनों का अपडेट के संबंध में यहाँ पर नवंबर तक पूरे बिहार में क्लियर हो गया है। आप ही अपना स्टेटस चेक करके बता सकते हैं, अगर चेक कर नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। फाइनली के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।